हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ बेनिफिट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सफ़ेद पानी की शिकायत में मेथी का रामबाण प्रयोग। सफ़ेद पानी, जिसको श्वेत प्रदर भी कहा जाता है, वाइट डिस्चार्ज कहा जाता है इंग्लिश में, महिलाओं का कष्टदायक रोग है, जिससे महिलाओं की योनि से सफ़ेद तरल पदार्थ निकलता है और बहुत गंदी बदबू आती है। इस रोग से ग्रसित रोगिणी उदास और चिड़चिड़ी रहती है। ऐसे में स्त्रियों के लिए मेथी के ये प्रयोग रामबाण हैं। तो चलिए जानते हैं इन प्रयोगों के बारे में। पहला है, रात को सोते समय 4 चम्मच पिसी मेथी दाना सफ़ेद एवं साफ भीगे हुए पतले कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर योनि के अंदर रखकर सोएं। पोटली को साफ एवं मजबूत लंबे धागे से बांधकर धागा बाहर निकला हुआ रखें, जिससे पोटली सरलता से बाहर निकाली जा सके। 4 घंटे बाद या जब भी किसी तरह का कष्ट हो, पोटली बाहर निकाल लें। जब तक श्वेत प्रदर ठीक ना हो जाए, ये प्रयोग करते रहें। इससे श्वेत प्रदर ठीक हो जाता है। दूसरा उपाय है, 5 चम्मच कुटी हुई मेथी दाना 1 गिलास पानी में 4 घंटे भिगोकर पानी छानकर योनि धोएं। इससे भी श्वेत प्रदर की बीमारी काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है। तीसरा उपाय है, मेथी पाक या मेथी लड्डू खाने से श्वेत प्रदर से छुटकारा मिल जाता है। शरीर हृष्ट पुष्ट बनता है तथा गर्भाशय की गंदगी बाहर निकलने में सहायता मिलती है। चौथा है, गर्भाशय कमजोर होने पर योनि से पानी की तरह पतला स्राव होता है। गुड़ 1 चम्मच व मेथी का चूर्ण 1 चम्मच मिलाकर कुछ दिन तक खाएं। इससे श्वेत प्रदर सफ़ेद पानी आना बंद हो जाता है। तो ये थे कुछ मेथी के रामबाण उपाय, जिसकी हेल्प से आप अपनी वाइट डिस्चार्ज यानी श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इसके लिए एक विशेष चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको, पीरियड्स के सभी प्रकार के कष्टों को ख़त्म करने के लिए मेथी सर्वोत्तम मानी गई है। चाहे मेथी की सब्जी खाएं या चूर्ण को फांक लीजिए। आपकी पीरियड से रिलेटेड और योनि से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, वेजाइना से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना हेल्दी टिप्स और हेल्थ बेनिफिट्स के नए नए तरीके लाती रहती हूँ। फ्रेंड्स, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।